मानव जाति की एकता के लिए एक बहाई प्रार्थना. हे दयालु ईश्वर, तूने समस्त मानव जाति को एक ही मूल कुटुंब से उत्पन्न किया है. तूने ऐसा निश्चित किया है कि सभी मनुष्य एक ही कुटुंबी हैं. तेरे पवित्र सानिध्य में सब तेरे ही सेवक हैं और समस्त मानव जाति तेरी ही छत्र छाया में आश्रित है. हे परमात्मन, तू सब पर कृपालु है. तूने सबको आजीविका दी है, सबको आश्रय दिया है, सबको जीवन प्रदान किया है. तूने सबको प्रतिभा और गुणों से विभूषित किया है. सब तेरे ही कृपा के सागर में निमग्न हैं. हे तू दयालु स्वामी, सबको एक कर दे, सभी धर्मों को सहमत होने दे, सभी राष्ट्रों को एक राष्ट्र बना दे, ताकि वे सब परस्पर एक दूसरे को एक ही परिवार के सदस्य की भांति देखे और संपूर्ण वसुधा को एक ही कुटुंब माने. वे सब मिलकर सद्भाव के वातावरण में रहें. हे ईश्वर, मानव जाति की एकता का ध्वज उन्नत कर दे. हे ईश्वर. एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, निज महान उद्देश्य उन्हें पर कर प्रकट मेरे विभू. दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति देवे, तेरी सेवा में ढले. पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन्हें पर, उन्हें रक्षित रहे तुझसे सदा. कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वर दे हास्त स्नेह का, है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा. एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु. संत मती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार. धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है. धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा. धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे. धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी. धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे. धन्य है वे जो मिलकर आते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, सुगराज उन्हीं का है. तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक भीखा पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा. वो किसी काम का नहीं रख जाता, वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौदा जाता है. तुम संसार की ज्योति हो, पखाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता.
लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपने ही आंख की धरण का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरण है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? हे ढोंकी, पहले अपने ही आंख की धरण निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। ये प्रभु की वाणी है। हिंदू प्रार्थना। ॐ हरि अनंत पर स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सचित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संघ आ आ प्रातः भजामि मनसो वचसामगम्य वाचो विभांति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर् निगमावोचु तं देवदेवमजं अच्युतं आहुर गृहम् अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर शम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना विनम्र व्रत निष्ठा से ये एकादश सेव्य है। ओम असतो मा सद गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्
प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीयेन